तो गाइस आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से और टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले फ्यूचर रिटेल लिमिटेड से स्टॉक में देखें तो आज के दिन 15 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 4% के करीबन की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 9% की तेजी देखने को मिली है, एक महीने के अंदर 26%, 3 महीने में 26% की तेजी देखने को मिल रही है। तो लगातार देखें तो इस स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, परंतु आज के दिन इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला है। स्टॉक में देखें तो नीचे के एक लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया, 2 रुपीज 5 पैसे, 2 रुपीज 5 पैसे से स्टॉक में एक लोअर सर्किट लगा और यहीं से स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलेगा। स्टॉक के निचले लेवल पर अब स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिल रही है। स्टॉक में एक रुकावट रेंज है 4 रुपीज 30 पैसे, 4 रुपीज 30 पैसे से स्टॉक में को रुकावट रेंज देखने को मिली है। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 3 रुपीज 35 पैसे के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 5 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न बनता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।